बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश व खुर्रम आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई फिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देसी स्टाइल में है, बहुत ही मज़े की है। ये देखिए, आप इसका कलर देख रहे हैं। तो चलिए चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की ये मज़ेदार सी फ्राई फिश कैसे बन रही है। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मछली मिल जाए तो इससे बढ़ के और क्या नेमत है। तो चलें चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और देखिए कि आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बन रही है, और ज़रूर बनाइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं फ्राई फिश, लाहौरी फ्राई फिश। तो इसके लिए मैंने फिश ले ली है, आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है और फ्राई करने के लिए है वो वाली मछली ले लीजिए। मैं आपसे कोई नहीं कहूंगी कि ये मछली ले, वो मछली ले, इस तरह करें, उस तरह करें, नहीं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है सहूलत से, वो आप उस तरीके से आप बना लें, वो वाली मछली आप बना लें। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाला है अपनी डिश में, ये क्वार्टर कप है। इसके साथ मैंने इसकी मेजरिंग की है, क्वार्टर कप मेरे पास बेसन है। बेसन में मैं डालने लगी हूँ ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, दरदरा सा कुटा हुआ है, देखिए आपको नजर आ रहा है। बहुत बारीक नहीं करना, लाहौरी फ्राई फिश में ये धनिया कुटा हुआ ही लगा होता है। तो ये एक टेबल स्पून कर ले या दो टी स्पून कर ले, मैंने दो टी स्पून इसमें डाल दिए। और साथ में ज़ीरा डालूंगी, ये भी कुटा हुआ है, ये मैंने घर में ही कूट के रखा हुआ है, ये भी बारीक पिसा हुआ नहीं है। तो ये एक टीस्पून है, ये भी डाल दिया। साथ में नमक डालें हसबे जायका, नमक फिश में नमक काफ़ी होता है और ये ज़ीरा भी नमकीन होता है, तो इसलिए मैं हाफ टी स्पून इसमें नमक डालूंगी। हाफ टी स्पून इसमें नमक चला गया। साथ में इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च हसबे जायका, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च इसमें चली गई। और ज़्यादा जो इसमें जायका आता है मज़े का, वो आता है कुटी लाल मिर्च का, तो ये हाफ टी स्पून में डालूंगी। हाफ टी स्पून भर के ये इसमें डाल दें। थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी हल्दी, क्वार्टर टी स्पून के करीब ये इसमें डाल दी। क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला ये भी घर का पिसा हुआ है, ये इसमें ज़रूर जाता है लाहौरी फ्राई फिश के, ये भी एक लाजिम इंग्रेडिएंट है। अब इसको मैं तो पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। यहाँ पे देखिए, आपने याद नहीं करवाया ना कि इसमें अजवाइन भी लाजिम जानी है, तो क्वार्टर टी स्पून के करीब मैं इसमें अजवाइन भी डालूंगी। ठीक है, अब आपके सामने ये सारा कुछ मिक्स करते हैं और इसमें डालूंगी, अब आपकी मर्जी है, आपने इसमें नींबू का रस डालना है, आपने इसमें इमली का पल्प डालना है, या आपने इसमें सिरका डालना है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका मिला दिया। तो पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी, ठीक है, हल्का सा इसका पानी डाल देती हूं और इसको मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, हल्दी के रंग की वजह से इस पे ये कलर आ गया है, आपने अगर कलर डालना हो तो आप कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी पेस्ट बन गई, बहुत अच्छे से पेस्ट बन गई है। अब मैं मछली का एक एक पीस उठा के तो इसमें कोट करती जाऊंगी, ऐसे करके इसको कोट करते जाए आप, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका ऊपर मसाले को कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ लग जाए, कहीं से कुछ खाली ना रह जाए। अगर आपको बेसन कम लगता है तो आप इसमें बेसन और डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये मसाला लगना चाहिए। ये देखिए, पूरा इसके ऊपर कोट हो, पूरा इसके ऊपर लगा हुआ। अगर आपको मकदार कम लगती है तो आप अपने तरीके अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है, लेकिन अब मैं इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपने रात भर रखना है, रात भर रखिए, लेकिन मछली का गोश्त इतना टेंडर होता है, ये आधा घंटा इसको बहुत होता है इसके मसाला रचने के लिए। तो चलिए, इसको आधे घंटे के बाद आगे क्या करना है फिर आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर मसाला लगे हुए तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया है, तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब इसमें फ्राइंग पैन में ऑयल डालते हैं। यहाँ पे फ्राई करने का क्या तरीका है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली ओवन में डालूँ, उसमें सॉरी ऑयल में डालूंगी तो ये मसाला उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं आटे में डाल के तो ऐसे रोल करूंगी ताकि ये सारा बाइंड हो जाए, इससे क्रिस्पी भी हो जाएगा और ये सारा कुछ जो मसाला इसमें लगा है ये बाइंड भी हो जाएगा और ये ज़्यादा उतरेगा नहीं इसके ऊपर से मसाला।
ठीक है, ये देखिए सारा इसमें कोट हो गया। ये आटा है, नॉर्मल आटा जो घर का रोटी पकाने वाला आटा होता है वो है। आप चाहें तो बेसन भी ले लें, मैदा ले लें, जो आपका दिल करता है वो आप ले लें। तो यहाँ पे मैं साथ में इसमें ऑयल में डालती जाऊंगी इस तरीके से। यहाँ से मछली ली, इसको आटे में ऐसे कोट किया और एक्सेस झाड़ दूंगी, एक्सेस आटा झाड़ दिया और ये इसमें डाल दिया। ठीक है, चलिए अब इसको इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो आप जानते हैं कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसलिए 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट एक साइड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो आटा लगाने की टिप है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना, आटा लगा के फ्राई करें, इससे फिश जो है बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसका खुशबू इतनी फैली हुई है, एक तो मछली ऊपर से उसके जो मसाले हैं स्पेशल मसाले गए हैं, बहुत ही मज़े की ये लग रही है। और देखिए मज़ेदार सी मछली फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल के अपने एक सैलेड प्लेटर में इसको डिश आउट करती हूँ। एक अदद मैंने प्लेट ले ली है, सैलेड ग्रीन्स, टमाटर, जो भी आपका दिल करता है उस तरह की आपने प्लेट ले लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी लाहौरी फ्राई फिश, क्रिस्पी फ्राई फिश रेडी हो गई है। चटपटी चटपटी और करारी सी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म ये फ्राइंग पैन में बने और आप साथ साथ खाते जाएं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।